आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारी ये खास खबर देखने के बाद। तो आकाश ने तेरे को मेरे को खाने पे बुलाया है, मैं तेरे को पूछ नहीं रहा है कि तू आ रही है कि नहीं आ रही है, मैं बोल रहा है कि तू चेंज करके बाहर आ, समझ रही है? वापस नहीं बोलेगा भाई बारे में। कुछ वक्त के लिए अब सायली और सचिन इस कमरे में हैं, जहां पर सचिन याद दिला रहा है सायली को कि फटाफट से तैयार हो जाओ, हमें जाना है खाना खाने के लिए बाहर। आकाश ने बुलाया है, भूल गई तू? लंच बीच पे लेके जा रहा था करके होटल विटेल में, याद है ना तेरे को? बुलाया तो मतलब बुलाया तो जाने का और जाने के लिए तैयार होने के। अब वो क्या है ना, है सचिन के एक दोस्त ने इन दोनों को इनवाइट किया है। अब बीती रात आप सबको याद ही होगा, है शराब पीकर कितना हंगामा किया, है सायली को उसने क्या क्या नहीं कहा, और अब वो सायली से कह रहा है कि चलो बाहर चलना है। मैं क्यों जाऊं? क्या सायली, तू क्या स्कूल वील में 12वीं तक पढ़ी है या 12 बजे तक पढ़ी? जब कोई किधर बुलाता है तो क्या करने का रहते, जाने का ही रहता है ना, तो इसमें क्या तेरे मगज में नहीं घुस रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। वो पार्टी सिर्फ पति पत्नी के लिए ही है, तो क्या है हम पति पत्नी? अब सायली ने भी सही जवाब दिया, पार्टी में तो पति पत्नी को बुलाया है ना, तो हमारे बीच क्या पति पत्नी वाला रिश्ता है? जो रिश्ता जुड़ने वाला था उसे जोड़ने से पहले ही तुमने बुरा भला कहकर न जाने किस छोर पर छोड़ दिया, और अब ऐसा बर्ताव कर रहे हो सायली के साथ के मानो कुछ हुआ ही न हो। उधर गाँव में, इधर घर में, बाहर मेरे पंडर लोग सब लोगों को क्या बुलाती? वो बुलाते तो हमें सब बोल, सब हमें पति पत्नी ही बोले, पर तुमने ही कहा था ना कि हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है, तो बोलो पति। अब यही होता है, शराब अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देता है। हिमाना की सचिन टेंशन में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो शराब पीकर अपनी पत्नी को ही जिम्मेदार ठहराएगा जो कुछ हो रहा है उसके लिए। अब देखना ये होगा कि सचिन कैसे मनाएगा सायली को, और क्या सायली मान जाएगी और उसके बाद अपने रिश्ते को एक और मौका देगी या नहीं। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।